नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आज नवंबर 25 तारीख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य को पुणि थे आसूची लघुचाप, राज्य में हो पारे वर्षा। अनेपटे राज्य सरकार द्वारा किसी नुआ नियम, किसी नुआ योजना राज्य पर लागू करपरी देश विदेश राजनैतिक खबर सब रही। अनेपटे कांग्रेस तरफ बड़ घोषणा करकेट और पापाग को नहीं बड़ खबर रही। तेज आसतु आज सका आसी 25 बड़ खबर उपर नजर पक। नंबर एक, आज बड़ ओषा। आज बाबा धवलेश्वर पीठ से पालन बड़ ओषा। बाबा धवलेश्वर पीठ से आज लागी गजभोग और तरण। बड़ ओषा तथा कार्तिक व्रत कर समस्त भक्त और श्रद्धालु मैंने गजभोग और तरण पर व्रत उद्यापन करेंगे। आज बड़ ओषार बड़ सिंहार स्वतंत्र बेशरे दर्शन देवे बाबा धवलेश्वर। एथिपाई प्रशासन तथा पूजक समाज पक्षर स्वतंत्र व्यवस्था कर। नंबर दुई, 12 शिल्प प्रकल्प को राज्य सरकार अनुमोदन। राज्य में नुआ 12 शिल्प प्रकल्प को राज्य सरकार हाई लेवल क्लीयरेंस अथॉरिटी HLC अनुमति प्रदान करी। 12 प्रकल्प प्रतिष्ठापाई 84,918.75 कोटी पुंजनिवेश करा जिबो। एहा सहित यह क्षेत्र में 42,281 लोक निजुक्ति पाई। तेज यही 12 प्रकल्प राज्यर कटक, ढेंकानाल, गंजाम, जयपुर, झारसुगुड़ा, केन्द्रापड़ा, मालकानगिरी, रायगड़ा, संबलपुर एवं सुंदरगढ़ जिले में प्रतिष्ठा करा जिबो। केन्द्रापड़ा जिले में ग्रीन आमोनिया उत्पादन। नंबर तीन, आसूची लघुचाप नहीं पारे अवपातर रूप। आसंता 26 तारीख में घूर्णी बलय दक्षिण आंडामान सगर में घूर्णी बलय सृष्टि होवार संभावना रही। यार प्रभाव में 27 तारीख ठार लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो पारे। लघुचाप सृष्टि हो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर अधिक घनीभूत हो 29 तारीख रु दक्षिण पश्चिम बंगोपसगर में अवपातर रूप नहीं पारे पाणीपाग केन्द्र पक्ष आकलन कर। प्रथमे लघुचापटी घनीभूत हो बात्यार रूप नहीं पारे। तेबे एहा बांग्लादेश किंवा म्यांमार उपकूल को मुहाइबार संभावना रही। तेबे एही लघुचाप प्रभाव में नवंबर 30 रु डिसेंबर 6 तारीख मध्य उपकूल ओडिशा रे वर्षा संभावना रही। नंबर चारि, 4 दिन में सरला विधानसभा अधिवेशन। शेष होला विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन। 26 कार्य दिवस पूर्वर विधानसभा को अनिर्दिष्ट काल मुलतवी घोषणा करने को मोशन आणिले सरकारी दल मुख्य सचेतक प्रशांत मुदुली। समर्थन जणाइले बीजेडी विधायक शशिभूषण बेहरा और भूपेन्द्र सिंह। आगुआ विधानसभा बंद करने निष्पत्ति को विरोध कर बीजेपी और कांग्रेस कक्ष त्याग करते। विधानसभा को अनिर्दिष्ट काल पर्यंत मुलतवी घोषणा कले बाचस्पति। नंबर पांच, आदिवासी जमी हस्तांतर प्रसंग। आदिवासी जमी हस्तांतर प्रसंगे कैबिनेट्र पूर्व निष्पत्ति प्रत्याहार होता सूचना मिली। आदिवासी जमी को अण आदिवासी किणवाक नहीं 14 तारीख में कैबिनेट निष्पत्ति परे विवाद जोर धरी एवं ट्वीट करे स्थगित रखा को मंत्री सूचना देते। परे ए संपर्क में प्रत्याहार दाबी जोर धरी। शुक्रवार दिन कैबिनेट बसाई राज्य सरकार प्रत्याहार कर सूचना देती। नंबर छ, इंडस्ट्रियल हब हेब ओडिशा। पूर्व भारतर इंडस्ट्रियल हब हेब ओडिशा। एथिपाई राज्य सरकार अनेक बड़ पदक्षेप नहीं। शिल्पमंत्री प्रताप देव गतकाली विधानसभा सूचना देते। रप्तानी में देशर श्रेष्ठ 25 जिलूर झारसुगुड़ा 23तम स्थान में अच्छी। 848 बृहत शिल्प को मिली अनुमोदन। एथिमध्यर किसी शिल्प कम आरंभ हो सारी। ए1,63,871.34 कोटी निवेश होउचे। आउ एथिरे 9,14,895 निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। प्रति 2 वर्ष रे थरे मेक इन ओडिशा कार्यक्रम करा जाउचे। ओडिशार खणी शक्ति कृषि परि क्षेत्र रे पुंजनिवेश पई नीति होईचे। सब जिला रे इंडस्ट्रियल हब हेबो। नंबर सात, पोशाक किणारे 25 लाख दुर्नीति। मयूरभंज जिले में स्कूल पिलामानंक पई पोशाक किणारे बड़ धरणर दुर्नीति सामना को आसी। गणशिक्षा विभाग निर्देशक और सचिवों निर्देश में एक कमिटी यार तदंत कर जिला प्रशासन को रिपोर्ट प्रदान करी। पोशाक किणारे 25 लाख टंकार दुर्नीति होता कमिटी जड़े अधिकारी नाम गोपन रखी कही। तेबे ए पर्यंत उक्त रिपोर्ट आधार रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाई नाही। प्रथम श्रेणी रु अष्टम श्रेणी पिलामानंकर पोशाक पई मुंड पिछा 500 टंका और नवम दशम पिलामानंकर पई 700 टंका रखा जाई थिला।
टेंडर माध्यम रे स्कूल मानक पोशाक जोगाई दिया जाइथिले मध्य एथिरे बड़ धरण दुर्नीति होइछि। नंबर आठ, आउ एक नदी गर्भ जलाशय को मिलला अनुमोदन। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बरगड़ जिला गोटे नदी गर्भ जलाशय प्रकल्प को अनुमोदन करिसंती। प्रकल्प पर मुख्यमंत्री 104 कोटी टंका मंजूर करिसंती। प्रकल्पटी हेउछि अंग नदी रे मांडिया ढिप नदी गर्भ जलाशय प्रकल्प। तेबे एही प्रकल्प द्वारा बरगड़ जिलार झारबंध और पाईकमाल ब्लकर जनसाधारण माने उपकृत हेबे। भूतल जलर स्तर वृद्धि सहित पानी जल प्रकल्प माछ चाष पशुपालन आदि क्षेत्र रे एहा विशेष सहायक हेबो। नंबर 9, 1 तारिख रु तुलसी यात्रा। प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति शरद पट्टनायक आह्वान क्रमे आसंता डिसेंबर 1 तारिख में प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ पूरी श्रीक्षेत्र को तुलसी यात्रा आयोजन करा। कार्यक्रम को सफल रूपायन करने निमंत गुरुवार दिन प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति शरद पट्टनायक सभापतित्व एक प्रस्तुति बैठक बसी। गतकाली कांग्रेस भवन को आसी तुलसी। कांग्रेस भवन में गतकाली आसी पहुंची प्रथम सज तुलसी। जगन्नाथ उद्देश्य जड़े साधारण व्यक्ति स्पीड पोस्ट माध्यम रे संबलपुर रु पठाई तुलसी। नंबर 10, शून्य काल रे सरकार को टार्गेट। शून्य काल रे सरकार को टार्गेट करिसंती कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र। विभिन्न प्रसंग रे सरकार को घेरिसंती नरसिंह। पद्मपुर को जिला करिबा प्रसंग गृह रे उठाइबा सहित नरसिंह मिश्र कहिसंती जिला गठन पई कैबिनेट रो सब कमिटी बसिबा कथा हेले आज पर्यंत एहा हेला नाही। पद्मपुर को जिला गठन पई निर्वाचन समय रे मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देथिले किंतु ए पर्यंत कोनो से काम आरंभ होइनी। नंबर 11, बिलरु धान अमल आरंभ हेलाणी किंतु खोली नाही वर्तमान सुधा मंडी। बालेश्वर जिलार भातहांडी उत्तर बालेश्वर रे धान अमल 2 सप्ताह हेला आरंभ होई सारिछि हेले मंडी खोलिबा को विलंब अछि। फळरे पश्चिमबंग व्यापारी को सुहाइबा भळी रेट रे एबे धान व्यापारी माने धान किणी नेउचंती। धान बिक्री करिबा को 4टी ब्लॉकर 60,000 रु अधिक चासी पंजीकृत करिसंती। सेमानक ठारु 6.5 लाख क्विंटल धान संग्रह करिबा को लक्ष्य धार्य करा जायछि। डिसेंबर 25 तारीख रु मंडी खोलिबा को निष्पत्ति होइथिले मध्ये एबे सुधा किछि जणा पड़िनि। तबे टुक्कन समस्या मध्ये ए वर्ष रहिबो। नंबर 12, मुस्लिम युवकंक पई कराजिबो आईटी पार्क। देशरे एबे निर्वाचनी वातावरण गरम अछि। प्राय सबु दल अल्प बहुत एबे क्षमता दखल करिबा को लागि पड़िछंती। एमिते के तेलंगाना मुख्यमंत्री पछरे नाहंती। तेलंगाना मुख्यमंत्री कहिसंती राज्य रे मुस्लिम युवक मानक पई आईटी पार्क करिवे बोली से कहिसंती। बीआरएस मुख्य तथा तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एपरी एक घोषणा करिसंती। हैदराबाद रो पहाड़ी सफारी पाखरे आईटी पार्क कराजिबो। नंबर 13, आज उत्तर प्रदेश रे नॉनवेज डे। नवंबर 25 तारीख को निरामिष दिन अर्थात नॉनवेज डे घोषणा करिसंती उत्तर प्रदेश रो योगी सरकार। तेणु आज राज्यर समस्त आमिष दुकान बंद रहिबो घोषणा होइछि। साधु टी एल बसवानी जन्मदिन को राज्य में निरामिष दिन भाव में पालन करने को योगी सरकार घोषणा करिसंति। आदिवासी संप्रदायर लोक मानक पई बंधन योजना आरंभ करा जायछि। यार लक्ष्य हेउछि आदिवासी लोकंकु आर्थिक दृष्टि रु सशक्त करिबा। तेबे एथिरे देशरे 50,000 धनबन विकास केन्द्र स्थापन करा जिवो जहा द्वारा 10 लाख आदिवासी। नंबर 13, मोदी आनिले खुशी खबर। नंबर 14, आदिवासी संप्रदायर लोक मानक पई मोदी आनिले खुशी खबर। कालिया दर्शन हला शेष दर्शन दृष्टि रु सेमाने भी होई परिबे जने हबेशालिंकर मृत्यु घटिछि। श्रीमंदिर भितरे गुरुतर अस्वस्थ होई पड़िथिले। सूचना अनुसार श्रीमंदिर भितरे थिबा नीलाचल उपवन रे बसीथिबा बेले जणे हबिष्याली गुरुतर अस्वस्थ होई पड़िथिले। तांकु संगे संगे पुरी सदर चिकित्सालय रे भर्ती करा जायथिला किंतु सेठारे तांकर मृत्यु घटिछि। मृत हबिष्याली जणंकर बयस 73 वर्ष एवं तांक नाम फकीर धारुआ एवं से नयागढ़ अंचलर। नंबर 15, नीलगिरीवासींकर स्वप्न सत हेला। बालेश्वर जिला नीलगिरीवासींकर दीर्घ दशंधीर स्वप्न पूरण होगा जाऊँगी। नीलगिरी अंचल को गड़ब पासेंजर ट्रेन आसंता डिसेंबर 1 तारिख में गोपीनाथपुर नवनिर्मित रेल स्टेशन रो लोकार्पण हेबो। एथिरे मुख्य अतिथि भाव में केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव जोगदेवे जनापड़ी।
ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ମହାବଳଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ। ରାଜ୍ୟରେ ତିନୋଟି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ମହାବଳ ବାଘଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା। ତିନୋଟି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମହାବଳ ବାଘ ଦେଖାଦେଉଛନ୍ତି। ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବାଘ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେବ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସୀମା ଡେଇଁ ଏବେ ବାଘମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ସାପ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ସାପ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ PCCFA ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ। ସାପ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, କିଏ ଯୋଗାଇଲା, ସାପକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଖବର କେତେ ଦୂର ସତ, ଏସବୁର ଟିକନିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ DFOଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଅର୍ଡ଼ିନେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ OSSCC ପକ୍ଷରୁ 2712 ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 20 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର 24-27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ www.ossscc.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 19 ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ଲିପର। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଆରାମଦାୟକ ଭ୍ରମଣ ତଥା ଅଧିକାଂଶ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିବାକୁ ଏବେ ଏହାର ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନମ୍ବର 20 ଭୋଟ୍ ବଢ଼ାଇବ ରାମ ମନ୍ଦିର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ BJP ଭୋଟ୍ ବଢ଼ାଇବ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ପୋଷ୍ଟରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରର ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ବ୍ୟାନର ସହର ସାରା ଲାଗିଛି। BJP ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସହିତ ରାମ ମନ୍ଦିର ଫଟୋକୁ ଏବେ ପୋଷ୍ଟରରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 21 ଚାଇନାରେ ପୁଣି ମାତିଲା ଭୂତାଣୁ। ଚାଇନାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଭୂତାଣୁ ଏବେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପୁଣି ଆତଙ୍କିତ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀର ତାଣ୍ଡବ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଭୂତାଣୁ H9N2 ଭୂତାଣୁ ମାତିବାରେ ଲାଗିଛି ଚାଇନାରେ। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ରୋଗ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଭୂତାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ଏସିଆରେ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା। ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଔଷଧ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ। ଭାରତରେ ଔଷଧ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସାରା ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା। ଇନ୍ସରଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ପ୍ଲେମର କୋପରେଟିଭ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ 2023 ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 23 ବିଦେଶରେ କମୁଛି ଭାରତରେ କମୁନି। ଦେଶରେ କମୁନି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ବଜାରରେ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦର ହ୍ରାସ ଘଟିବା। ତେବେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ କମୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୂଲ୍ୟ କମିପାରେ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ହୋଇପାରେ ଏନେଇ ଏକ ବୈଠକ। ନମ୍ବର 23 ଭାରତରେ ତାର ଦୂତାବାସ ବନ୍ଦ କଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ତାର ଦୂତାବାସକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
नुआ दिल्ली रे अफगानिस्तान रो एहा दूतावास को स्थायी भाबरे बंद करबा नै घोषणा करिछि। नंबर 24 पाकिस्तान रे जरूरी अवतरण कला भारतर विमान। विमान रे कोनोसी जांत्रिक त्रुटि नथिला किंतु विमान जरूरी अवतरण कला पाकिस्तान रे। साउदी अरब रु हैदराबाद अभिमुखे जाउथिबा इंडिगो विमान 6E68 पाकिस्तान कराची रे अवतरण करिछि। तबे विमान मध्य रे जणे व्यक्ति गुरुतर अस्वस्थ होई पड़िथिले। एथिपई विमान रो कैप्टन विमान को पाकिस्तान आड़ को नैथिले। आवश्यकीय ट्रीटमेंट परे रोगी जणक सुस्थ हेबा सहित विमानटी पुणि थरे पाकिस्तान रु कराची रु हैदराबाद को उड़ी आसीछि।